हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी प्योर बी पॉजिटिव। कैसे हो आप सब? मुझे लगता है आप सभी बहुत ही अच्छी होंगी और इस ठंड में थोड़े से मज़े और थोड़ी सी स्किन को लेके टेंशन में होंगे। तो चलिए, इसी टेंशन को थोड़ी सी राहत देने के लिए मैं आ गई हूँ एक नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो है एक ऐसी वीडियो जो ना आप देख के दिल खुश हो जाएगी। घर पे बनी हुई सोप गाइस, घर पे बनी हुई, तो सोचिए कितनी प्योर होगी, कितनी नेचुरल होगी। और सारी नेचुरल चीज़ें ही हम लेंगे। यहाँ पे हमने मिल्क लिया है गाइस। सबसे पहले हमने लिया है सोप बनाने के लिए सोप बेस, जो ग्लिसरीन बेस सोप है, ओके ना। आपको ये ऑनलाइन बहुत इजीली मिल जाती है गाइस। यहाँ पे हमने दूध का इस्तेमाल करेंगे, यहाँ पे हमने चावल का इस्तेमाल करना है। तो चावल का जो आटा है, चावल का नहीं, चावल के आटे का इस्तेमाल करना है। चावल का आटा हमें 2 चम्मच लेनी है और हमें जो दूध देना है 9 से 10 चम्मच ले लेनी है। अच्छा से एक पेस्ट बन जाए इतना मिल्क हमें ले लेना है गाइस। तो यहाँ पे हम मिल्क ले लेंगे और अच्छे से मिला लेंगे गाइस। इस सोप को अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो ना, आपकी स्किन से जितनी डार्क स्पॉट्स हैं, जितनी दाग धब्बे हैं, सारी क्लीन होगी। आपकी स्किन ड्राई नहीं होगी, मॉइस्चराइज रहेगी गाइस। अगर आपके पास सोप बेस नहीं है तो आप पियर्स सोप का यूज़ कर सकते हो, आप डव सोप का यूज़ कर सकते हो, आप बेबी सोप्स आती है ना बहुत सारी, उसमें से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो मिल्क बेस, ओके ना गाइस। यहाँ पे हमने आधा नींबू लिया है, यहाँ पे हम 2 चम्मच एलोवेरा लेंगे गाइस। अगर आपके पास फ्रेश एलोवेरा जेल है तो आप वो भी ले सकते हो, ओके ना। यहाँ पे मैं मार्केट वाली एलोवेरा जेल यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे हम 1 से थोड़ा कम 1/2 चम्मच के करीब ग्लिसरीन लेंगे और अभी हम छोटे चम्मच से 1 चम्मच आमंड ऑयल लेंगे। ये आपके स्किन को मॉइस्चराइज रखने में बहुत हेल्प करेगी गाइस। यहाँ पे मैं टर्मरिक एसेंशियल ऑयल यूज़ कर रही हूँ गाइस। ये पूरी तरीके से ऑप्शनल है गाइस, आपके पास है तो आप डालें, नहीं है तो हंसते हुए स्किप कर दें। आपके पास जो है आप डालें, इनमें से कुछ नहीं है तो स्किप कीजिए। मिल्क और चावल का आटा है तो उसे ही लीजिए, बस कोई भी ऑयल जैसे ऑलिव ऑयल या आमंड ऑयल या विटामिन ई ऑयल, ओके ना। आपके पास इनमें से कुछ भी है तो डालिए हमारी स्किन को नरिश करने के लिए, ठीक है। और अगर ग्लिसरीन नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम जो ग्लिसरीन बेस सोप यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारे पास ऑलरेडी है ही। अब हम इस बेस को क्या करेंगे, पेस्ट को तो हमने बहुत अच्छे से बना लिया है, अब इस बेस को, सोप बेस जो है हमारा, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। बहुत स्मूथ होती है, बहुत जल्दी कट जाती है, कोई भी हार्ड नहीं होती कि आपको टेंशन होगी काटने में, बहुत स्मूथली कट जाती है। छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है गाइस। इसकी लिंक हो सके तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दे दूंगी। और अगर आपके पास ये नहीं है, बहुत चीप में आती है गाइस, ये भी मत सोचिएगा बहुत महंगा। और एक जो आपको सोप बेस मिलेगा वो आपके कम से कम 4-5 सोप बनकर तैयार हो जाएगा, ओके ना। तो अगर आप ऐसा नहीं ले सकते हो तो आप पियर्स ले लो, डव ले लो, जॉनसन बेबी का आता है वो ले लो, बट सोप ऐसा लेना जो अच्छा हो, ओके। ये 2-3 ही सोप के लिए यूज़ भी किया जाता है, बट मेरे लिए जब हम सोप को ही निकाल कर फिर नेचुरल चीज़ डालकर सोप बनाएं तो कोई फ़ायदा नहीं है। सोप बेस को लेकर बनाएं तो वो हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है गाइस। तो ये सारी चीज़ें हमने रेडी कर लिया है, अब चलते हैं बनाने के प्रोसेस की तरफ। हमने यहाँ पे सोप जो बेस लिया है उसे मेल्ट करना है। मेल्ट कैसे करना है, ऐसे डबल बॉइलिंग प्रोसेस के थ्रू हमें मेल्ट करना है। हमें डायरेक्ट उसे हीट में नहीं रख देना है, ओके ना, वरना ये सोप बनने की जगह पे सोप ऐसी सोप बन के तैयार होगी जो हमारे फेस के लिए क्या और बॉडी के कहीं के लिए भी यूज़ नहीं होने वाली, ऐसी बनेगी वो। तो हमें इस तरीके से पानी ले लेना है पहले, और उसके ऊपर कोई एक ऐसा बर्तन रख लें जिसे आप पकड़ सको। इस वे में आप जाइएगा सोप को मेल्ट करने के लिए, डायरेक्ट हीट में मत रखिएगा, ओके ना। ये बहुत अच्छा प्रोसेस होता है कि सोप को हम अच्छे से मेल्ट कर सकें और कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं आती है, और बहुत अच्छा हमारा प्योर सोप प्योर ही रहता है। देखिए हमारी सोप बहुत अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब हमें गैस का फ्लेम ऑफ करना है और जो हमने मिक्सचर तैयार किया है, जो पेस्ट बनाकर रेडी किए हैं हमने, उसे हम डाल देंगे सोप बेस में। डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है गाइस। इस बात का ध्यान रखिएगा, सोप में इस पेस्ट को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है और हाँ, इसे हमें हीट में रखना नहीं है, अब जो गर्म पानी है उसमें भी नहीं रखना है, हमें बस अब निकाल कर अच्छे से मिक्स कर हम उसको सोप के लिए तैयार कर लेते हैं।
गाइस मार्केट में या फिर ऑनलाइन आपको ये सोप मोल्ड भी बहुत इजीली मिल जाती है और बहुत चीप, 120 के करीब करीब, मैंने तो 110 में ऐसा लिया था, बहुत चीपली मिल जाता है। आप ऐसे मोल्ड ले लें और ताकि आपकी सोप अच्छे शेप में आ जाए और अच्छे से जम जाए, या तो फिर आपके पास प्लास्टिक का कोई छोटी छोटी कंटेनर आती है, जैसे हम ईयरिंग्स लेते हैं या फिर कुछ रिंग्स लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं ऐसा, तो एक छोटी छोटी कंटेनर मिलती है, उसके साथ आप उस प्लास्टिक के डिब्बी में भी बहुत अच्छे से डालकर सोप बना सकते हो, या फिर मफिन का मोल्ड आता है आप उसमें भी आप सोप ऐसे डालकर जमा सकते हो। देखिए गाइस यहाँ पे हमारी सोप जमकर तैयार हो गई। सोप जमने के लिए हमें गाइस 12 घंटे का टाइम लेता है, कम से कम 7-8 घंटे का टाइम आप दे ही दीजिए, इसको फ्रीज़र में रखकर छोड़ दीजिए। और देखिए अब हमारी सोप कितनी अच्छे से बनकर रेडी हुई, आप देखकर आपको लग रही है कि ये मार्केट वाली सोप नहीं है, घर पर बनी हुई सोप है गाइस। नहीं ना, ये इतनी अच्छी सोप हम घर पर बनाकर तैयार कर सकते हैं। इस सोप के रेगुलर यूज़ से गाइस आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, बहुत सॉफ्ट, बेबी सॉफ्ट हो जाएगी गाइस आपकी, क्योंकि आप देख रहे हो, खुद से देख रहे हो, इसमें कोई केमिकल नहीं है, बहुत अच्छे से हमने बनाकर तैयार किया है गाइस। इस सोप को आप एक महीने भर आप अच्छे से यूज़ कर सकते हो, बट आप इसको काम करें, जब भी आप यूज़ करें दोबारा आप फ्रीज़र में रख दें तो वो ज़्यादा अच्छी रहेगी। और अगर आप इसको आप रेगुलर मतलब वॉशरूम में या सिंक के पास रखना चाहते हो तो छोटी छोटी टिकिया के टाइप में आप बना, ताकि आप 2 से 4 दिन यूज करो और वो खत्म हो जाए। और अगर बड़ी बनाएं तो उसको आप फ्रीजर में रखें और 1 महीने, 2 महीने, 1.5 महीने तक आप आराम से यूज कर सकते हैं गाइस। गाइस अगर मेरी वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो एक लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो के अपडेट आप तक आती रहे गाइस। यहां तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच गाइस, और एक बार घर पे बना हुआ सोप बनाकर आप यूज कीजिए गाइस, बाहर की सोप लेकर बिल्कुल यूज़ ना कीजिएगा गाइस, अपनी स्किन को ख़राब करने की नौबत मत लाइएगा। थैंक यू।